हेलो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। मेरा नाम है मोहम्मद अयूब शफी। आज मैं आपको बिसोले की दाढ़ लगाकर दिखाऊंगा, यानी कि तिस्सा। दोस्तों, विशेष तरीके इसके कई प्रकार के हैं लगाने के। मेरे पास आपकी बहुत कमेंट आ रही थी कि बिसोले की दाढ़ कैसे लगाते हैं। आज आपको पूरा प्रॉपर तरीका दिखाया जाएगा दाढ़ लगाने का, जो हमारे बड़े दाढ़ लगाते थे जिस प्रकार, वैसे इसका जो ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जैसे आप डोर वगैरह बनाते हैं या विंडो वगैरह बनाते हैं या विंडो फ्रेम या डोर फ्रेम, इसमें इसका अधिक प्रयोग किया जाता है। चलो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास, यानी कि 2 इंची की पथरी है, 2 इंची 6 इंची और ये लगभग 1 इंच मोटा जाती है। वैसे तो जो पहले दाढ़ लगती थी बिसोले की, वो रेड पत्थर पर लगा देते, मगर अब उस पर हम नहीं लगाते क्योंकि अब हमारे पास पथरी आ गई है रेडीमेड, जिसमें इसकी दाढ़ लगाते हैं। दाढ़ लगाने का जो तरीका होता है इसका, आपका जैसा बिसोला है ये, आप इससे छिलाई का काम करते हैं इस प्रकार, या फिर उसके बाद जैसा आप मान लिए आपका ऊपर से हिस्सा है, इस पर आप किसी प्रकार की चोट वगैरह मारते हैं तो ये दब जाता है। तो इसमें 2 रीज़न रहते हैं बिसोली दाढ़ लगाने के। एक तो ये है कि आप सबसे जो बेस्ट और बेहतर तरीका है कि आपको इस प्रकार निकाल लें और निकालने पर इसकी दाढ़ लगेगी। उसके बाद अगर आपका यहाँ पर ये इसका हेड दब जाता है तो उसमें आपका ये बिसोला नहीं निकलेगा। तो उसमें क्या करते हैं हमारे कारपेंटर भाई, इमरजेंसी दाढ़ लगा लेते हैं या फिर ग्राइंडर वगैरह से दाढ़ लगा लेते हैं। तो सबसे पहले हम बिसोला निकाल लेते हैं विंटे में से, दस्ते में से, उसके बाद दाढ़ लगाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास एक नई पथरी है और एक ये पुरानी पथरी है। जो हम दाढ़ लगाएंगे अपने बिसोले की, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम जो दाढ़ लगाएंगे वो पुरानी पथरी पर लगाएंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें यहाँ पर बहुत काफ़ी गहराई, यानी कि बेंड है, और यहाँ पथरी देख रहे हैं बिल्कुल लेवल में है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, हमारी जो हम दाढ़ लगाएंगे, हमारी जो पुरानी पथरी होगी, हम इसके अगले साइड में दाढ़ लगाएंगे, इससे हमारी पथरी सीधी भी होगी और हमारे बिसोले की दाढ़ भी लग जाएगी। दोस्तों, ये जो मेरे पास पुरानी पथरी जिसमें बेंड है, पहले क्या होता था, हम पथरी पर दाढ़ लगा देते अपने बिसोले की, और तो जो उसमें दाढ़ लगती थी वो अगली साइड और बैक साइड की तरफ दाढ़ लगा देते, उससे जो आपकी पथरी होती थी वो सीधी भी रहती थी। अब तो हम जरूरत भी नहीं पड़ती, दाढ़ लगाने की बहुत ही कम जरूरत पड़ती है। तो इसमें हमारी जो पथरी है उसमें बेंड हो जाता है, और जो पहले दाढ़ लगती थी वो बिसोले की दाढ़ लगा देती थी इस पर, तो हमारी जो पथरी सीधी रहती थी, हमें इसको किसी चीज़ पर खींचने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो हमें कोई जुगाड़ बना रखा है, हम उस पर दाढ़ लगाएंगे। दोस्तों, जैसे कि आपने देखा, मैंने अपना एक अड्डा बना लिया जुगाड़बाजी करके, वो मैंने इसमें आपको पूरा तरीका दिखाया। अब हम अपने बिसोले की दाढ़ लगाएंगे इस प्रकार, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर हमने जो कील का इसमें प्रयोग किया है मोड़ने का, हम जो दाढ़ लगा रहे हैं अगली साइड में लगा रहे हैं इस प्रकार। हम जो दाढ़ लगाएंगे, हमें अपने बिसोले को इस प्रकार यहाँ पर रखना है जब लगाएंगे। आपको इस प्रकार नहीं रखना है, क्योंकि अगर आप इस प्रकार लगाएंगे आपके जो सिरे हैं गोल हो जाएंगे और जो आपके पथरी भी सीधी नहीं होगी। तो इस तरह से जो उसका रीज़न रहता है दाढ़ लगाने का, वो आप इस प्रकार लगाएं। इस तरह से हमें दाढ़ लगाने के लगभग 20 मिनट के आसपास लगेंगे। बीस मिनट के लगभग हो गए और हमारे बिसोले पे, यानी कि बाला आ गया है नीचे की साइड। अब हम अपनी पुरानी पथरी बदलेंगे और नहीं रखेंगे। हमारी जो नई पथरी होगी, इसमें दो साइड होती हैं, एक तरफ इधर हम दस्ता चीरते हैं यानी कि बाला आने के लिए, और दूसरी तरफ हम फिनिशिंग करते हैं जिधर, यानी कि सफाई होती है। तो हम क्या काम करेंगे, जिधर हम दस्ता चीरते हैं उसी साइड से ही हम अपने नीचे की साइड से भी इसकी घिसाई करेंगे, क्योंकि बाला आया है, पुराना बिसोला है, उसकी अच्छे से दाढ़ लगानी मेरे को।
नीचे की साइड से रगड़ने के लिए लगभग हमको 5 मिनट तक के रगड़ाई करनी होगी। रगड़ाई से ये होगा जो आपके नीचे की जो साइड है वो भी काफ़ी घिस जाएगी और इस तरह से जो आपकी बिसोले की जो धार है वो बहुत ही बढ़िया लगेगी। उसके बाद हम फिर फिनिशिंग करेंगे अपने धार की। दोस्तों ये था तरीका बिसोले की धार लगाने का जो मैंने आपको पूरा तरीका दिखाया। अब हम एंगल ग्राइंडर की मदद से थोड़ा सा अपने बिसोले की फिनिशिंग कर देते हैं और थोड़ा सा अपने दस्ते को भी यानी कि बिंटो भी चमका लेते हैं रंधा लगाकर और रेगमाल लगाकर। दोस्तों जैसा कि मैं धार लगा रहा था मेरे एक बचपन की बात याद आ गई। जैसा कि मान लो आजकल के बच्चे काम सीखते हैं और वे कहते हैं कि हमारे पे तो कुछ भी काम नहीं आया। बात उस समय की है जब मेरी उम्र लगभग 10 साल थी। हमारे जो मन के बड़े थे फादर थे और ग्रैंड फादर थे वे एक बात सुनाया करते थे। कहने लगे एक उस्ताद के पास एक चिल्ला काम सीखने के लिए गया और उसको काम सीखते सीखते लगभग 3 से 4 साल हो गए। और जब 3 या 4 साल हो गए एक दिन उसके यानी कि घर वाले आ जाते हैं उस्ताद के पास। उस टाइम वो शिष्य यानी कि चिल्ला वो बिसोले की धार लगाता हुआ होता है और माँ बाप आकर ही कहते हैं उस्ताद से, उस्ताद जी आपने हमारे बच्चे को क्या काम सिखाया। तो उस्ताद जी के मैंने आपके बच्चे को मैं भी बताता हूँ क्या काम सिखाया। तो जैसे बच्चा बिसोले की धार लगा रहा था चेला तो वो ये जो तो धार होती है उन्होंने क्या काम करा मुँह से थोड़ा सा अपना राला लिया और यहाँ पर ऊपर की साइड में लगा दिया। कुछ ही देर के बाद जैसा बिसोले इस तरह से करके रख रखा था उन्होंने और मक्खी आकर बैठती है। मक्खी जैसे ही बैठती है मक्खी बैठने से तुरंत एकदम उसके दो हो जाते हैं। यानी कि उस्ताद ऐसी चीज़ होती है कि उस्ताद ये नहीं चाहता कि मैं अपने चेले को काम ना सिखाऊँ, सिर्फ एक चेले को ही काम सीखना पड़ता है। तो तब उस्ताद जी ने चिल्ले के माँ बाप से कहा कि मैंने आपके बच्चे को ये सिखाया कि मक्खी बैठी और मक्खी के दो हो गए। हाँ दोस्तों मैं ऐसी धार नहीं ला सकता मगर मैंने जो उसका सही तरीका था वो आपको धार लगा कर दिखाया और मैं यहीं पर अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देना आपका बहुत बहुत शुक्रिया।